हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 फरवरी 2024 के करंट अफेयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आते हैं पहले करंट अफेयर पे। विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 10 फरवरी, ऑप्शन बी है 15 फरवरी, ऑप्शन सी है 1 फरवरी, ऑप्शन डी है 12 फरवरी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10 फरवरी को। विश्व दलहन दिवस वर्ल्ड पल्सेस डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 10 फरवरी को। और भारत दलहन उत्पादन में टॉप पे है। और कौन से ईयर को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस घोषित किया गया था? 2016 को। और 2024 की इसकी थीम क्या है? हैशटैग पल्सेस नोरिशिंग सोयल्स एंड पीपल। तो आपको याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले वर्ल्ड पल्सेस डे किस दिन मनाते हैं? 10 फरवरी को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस कब घोषित किया गया था? 2016 को। 2024 की थीम क्या है? वर्ल्ड पल्सेस डे 2024 की थीम क्या है? हैशटैग पल्सेस नोरिशिंग सोयल्स एंड पीपल। इसके अलावा नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं? 12 फरवरी को। 2024 की इसकी थीम क्या है? AI का मतलब यहाँ पे हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाते हैं? 12 फरवरी को। 2024 की इसकी थीम क्या है? AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं? 8 मार्च को। नेशनल वुमेंस डे कब मनाते हैं? 13 फरवरी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई? आपके पास ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, रूस। जिरकॉन मिसाइल एक सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च की गई? तो रूस के द्वारा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित किया गया? आपके पास ऑप्शन है जापान में, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। सातवां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? पर्थ में। भारत की तरफ से किसने अटेंड किया? एस जयशंकर जी ने। और इसकी थीम क्या थी? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको थीम याद रखना है। थीम क्या थी इस कॉन्फ्रेंस की? टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो सातवां इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हुआ ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? पर्थ में। भारत की तरफ से किसने भाग लिया? एस जयशंकर जी ने। इसकी थीम क्या थी? टुवर्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? आपके पास ऑप्शन है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है हॉकी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्रिकेट। हाल ही में दत्ताजी राव कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े थे? तो क्रिकेट से। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टीनरनेमा एडमसी निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है तितली, बटरफ्लाई, ऑप्शन बी है मकड़ी, ऑप्शन सी है निमेटोड, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, निमेटोड। हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टीनरनेमा एडमसी निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निमेटोड। और कहाँ के रिसर्चर ने इसे डिस्कवर किया? तो रिसर्चर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और ये जो नाम रखा गया है किन के नाम पे रखा गया है? तो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है, उनका नाम है बेरन एडमस के नाम पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट 39 ने किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है बैंकिंग सुधार से संबंधित, ऑप्शन बी है NLU से जुड़ा एक आपराधिक न्याय कार्यक्रम से। यहाँ पे NLU का मतलब क्या हुआ? नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली।
ऑप्शन सी है रक्षा क्षेत्र से संबंधित, ऑप्शन डी एमएसएमई सुधार से संबंधित। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एनएलयू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक आपराधिक न्याय कार्यक्रम है। प्रोजेक्ट 39A किससे संबंधित है? तो एनएलयू से जुड़ा एक आपराधिक न्याय कार्यक्रम, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि जो प्रोजेक्ट 39A है ये किससे इंस्पायर्ड है, किससे प्रभावित है? तो आर्टिकल 39A। और आर्टिकल 39A में क्या मेंशन है? ये प्रमोट करता है आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी बाय रिमूविंग इकोनॉमिक एंड सोशल बैरियर। तो ये भी आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जो प्रोजेक्ट 39A है ये किससे प्रभावित है, किससे इंस्पायर्ड है? तो आर्टिकल 39A से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है गुवाहाटी, ऑप्शन डी है देहरादून। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, देहरादून। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, देहरादून। किसने किया? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। और कहाँ पे किया गया ये इम्पोर्टेंट है, तो एट टोन्स ब्रिज स्कूल देहरादून। तो स्कूल का नाम भी आपको याद रखना है, कौन सा स्कूल है? टोन्स ब्रिज स्कूल देहरादून। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश ने वॉइस क्लोनिंग घोटालों में वृद्धि के बीच AI जनित रोबो कॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे हजारों नागरिक प्रभावित हुए हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है UK, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे होगा USA, अमेरिका। हाल ही में किस देश ने वॉइस क्लोनिंग घोटाले में वृद्धि के बीच AI जनित रोबो कॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है जिससे हजारों नागरिक प्रभावित हुए हैं? तो अमेरिका ने, ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है तेलंगाना, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है ओडिशा, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओडिशा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ओडिशा। अच्छा, इस स्कीम में क्या है? तो ये आपका 1 लाख तक लोन देगा इंटरेस्ट फ्री। बैंक जो लोन देगा 1 लाख तक वो क्या होगा? इंटरेस्ट फ्री होगा। और किसके लिए दिया जाएगा? टू हेल्प देम स्टार्ट न्यू बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाएगा। एज कितना होना चाहिए? 18 से 35 साल के बीच, और कुछ केस में स्पेशल कैटेगरी में 18 से 40 साल के बीच। टू हेल्प देम स्टार्ट न्यू बिजनेस, तो ये भी याद रखना है। आपसे पूछ सकता है स्वयं योजना किससे संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है सोनू निगम, ऑप्शन बी है प्यारेलाल शर्मा, ऑप्शन सी है AR रहमान, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्यारेलाल शर्मा। हाल ही में किस संगीतकार को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्यारेलाल शर्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी महीने के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? आपके पास ऑप्शन है जोस हेजलवुड, ऑप्शन बी है समर जोसेफ, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है बाबर आजम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, समर जोसेफ। कौन से देश से है? वेस्ट इंडीज से। जनवरी महीने के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? समर जोसेफ ने, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी है। और महिलाओं में किसने जीता? तो उनका नाम है एमी हंटर। किस देश से है? आयरलैंड से है एमी हंटर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, शॉर्ट में से बोलते हैं NCMC। तो आपसे एग्जाम में NCMC का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो क्या होगा? नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन कार्ड पहल के हिस्से के रूप में किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और हैं। सबसे पहले, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। किस पहल के तहत? तो वन नेशन वन कार्ड पहल के हिस्से के रूप में। और इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसे लॉन्च किया गया था 2019 में। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 4 मार्च 2019 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की
प्रवासी प्रजातियों की स्थिति द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीसीज 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई थी। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, ऑप्शन बी है जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी स्पीसीज 2024 रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, तो यहाँ पे आपका मेंशन है इट वॉज लॉन्च बाय द कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, शॉर्ट में इसे बोलते हैं CMAs, जो कि क्या है, एक UN बायोडाइवर्सिटी ट्रीटी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है। आपके पास ऑप्शन है 38, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 27। सही आंसर यहां पे होगा ऑप्शन ए 38। विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 38। इसमें आपका 6 पैरामीटर यूज होता है, 6 LPI पैरामीटर होते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, तो कस्टम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स होता है, क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स होता है, क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज, इसके बाद ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग और टाइम लाइनेज। तो ये सारे पैरामीटर है जो कि आपको याद रखने हैं। इसके अलावा 2018 में कितनी रैंक थी, 44 थी, 2014 में कितनी रैंक थी, तो 54, तो मतलब काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अलास्का पॉक्स क्या है। आपके पास ऑप्शन है स्वदेशी निर्मित जेट लड़ाकू विमान है, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहां पे सही आंसर होगा। अलास्का पॉक्स क्या है, डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 2015 में, कहाँ पे, अलास्का में, इसलिए इसका नाम है अलास्का पॉक्स। अलास्का पॉक्स क्या है, तो डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, और इसे पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था 2015 में, कहाँ, फेयरबैंक्स अलास्का में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का निर्णय लिया है। आपके पास ऑप्शन है IIT BHU, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT मुंबई, ऑप्शन डी IIT कानपुर। सही आंसर क्या होगा, हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT रुड़की के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का निर्णय लिया है, तो IIT रुड़की के साथ, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्ट टेलीस्कोप किस देश द्वारा विकसित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है चीन, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है USA, ऑप्शन डी है जापान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चीन। हाल ही में समाचारों में देखा गया फास्ट टेलीस्कोप किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। अच्छा न्यूज में क्यों था, तो फास्ट टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया है एक रेडियो पल्सर इन ए सुपरनोवा रिमनेंट, इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, अवशेष, जिसको हम लोग जानते हैं CTB 87। तो CTB 87 क्या है, एक सुपरनोवा अवशेष है, और जो फास्ट टेलीस्कोप था इसने डिटेक्ट किया एक रेडियो पल्सर, किसमें, इन्हें सुपरनोवा रिमनेंट नोन एज CTB 87। और किसने डिस्कवर किया है, तो एस्ट्रोनॉमर्स फ्रॉम द नानजिंग यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना में है, तो ये भी याद रखना है, यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखना है। और फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। फास्ट टेलीस्कोप का मतलब क्या हुआ, 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल रेडियो टेलीस्कोप। तो आपको याद क्या रखना है, फास्ट टेलीस्कोप किस देश द्वारा डेवलप किया गया है, चीन के द्वारा। अच्छा न्यूज में क्यों था, तो नानजिंग यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमर्स जो थे, इन्होंने डिटेक्ट किया है रेडियो पल्सर इन ए सुपरनोवा रिमनेंट, जिसे क्या जानते, किस नाम से जानते हैं, CTB 87। और आपको यूनिवर्सिटी का नाम भी याद रखना है, पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुप्तेश्वर वन किस राज्य में है, जिसे राज्य जैव विविधता विरासत स्थल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है।
आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड, ऑप्शन डी है उड़ीसा। गुप्तेश्वर वन किस स्टेट में है जिसे हाल ही में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है, तो उड़ीसा में है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले इस घोषणा के साथ ही अब उड़ीसा में 4 बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट हो गए हैं, जैव विविधता विरासत स्थल हो गए हैं, और बाकी के 3 कौन हैं, तो एक है आपका कंधमाला जिले में जिसका नाम है मंदसरू जैव विविधता विरासत स्थल, दूसरा आपका गजपति जिले में महेंद्रगिरी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, हिंदी में क्या बोलेंगे महेंद्रगिरी जैव विविधता विरासत स्थल, और तीसरा कौन सा है गंधमर्दन जैव विविधता विरासत स्थल, और चौथा कौन सा बना है आपका गुप्तेश्वर वन, चौथा आपका बना है गुप्तेश्वर वन। भारत में अभी राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार फरवरी 2024 तक भारत में कुल 45 जैव विविधता विरासत स्थल है, और ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, यहाँ पे लिंक गिवेन है, आप देख सकते हो जाके। और आपको जो इम्पोर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट याद रखना है जो एग्जाम में पूछ सकता है, तो एक तो आपका ये 4 हो गया उड़ीसा का जो 4 हो गया, इसके अलावा 2023 में जो जो घोषित हुए हैं उनको आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो एक तो है आपका अमखोई उड फॉसिल पार्क बंगाल में, 4 बालीदंगा बंगाल वेस्ट बंगाल, नामथिंग पोखारी ये भी आपका वेस्ट बंगाल, स्टेट हॉर्टिकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेशन वेस्ट बंगाल 2023 में घोषित किया गया है सब, गंधमर्दन हिल ये आपका उड़ीसा जो मैंने बताया था अभी, इसके अलावा बीडमपुर बगुड़ान जलपाई ये आपका वेस्ट बंगाल, इसके अलावा अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हल्दीर चार आइलैंड ये आपका है वेस्ट बंगाल में, तुंगयोंग धो ये आपका है सिक्किम में, तो ये इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है, ठीक है ये आपका इंपॉर्टेंट है, तुंगयोंग धो ये आपका क्या बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, कौन से स्टेट में सिक्किम में, तो ये इंपॉर्टेंट है पूछ सकता है, बाकी आप सबका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन हाल ही में किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है, आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा बोलते हैं, ऑप्शन सी है साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दी जिनमें से कोई भी नहीं, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के द्वारा। रोड टू पेरिस 2024 चैंपियनिंग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटिंग फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन हाल ही में किस संगठन द्वारा आयोजित किया गया है, तो नाडा के द्वारा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आज के आखिरी कैंड अफेयर पे आते हैं, हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है, आपके पास ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है सिक्किम, सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा असम। हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राज्य फल के रूप में मान्यता दी गई है, तो असम ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक आईक्यू करेंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे पीडीएफ के साथ साथ आपको क्विज भी मिलेगा अच्छे लेवल का। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।